आईएनटी न्यूज़, आप देख रहे हैं आईएनटी नेटवर्क, नई सोच नई खबर के साथ। पेंडुलकर जी को मान लेना चाहिए कि अब वो भूतपूर्व जिला अध्यक्ष है। उनको पार्टी ने प्रदेश में चिटनिस पद से नवाजा है। महाराष्ट्र की सेवा उनको करनी चाहिए और मीरा भाईंदर, अंकुश मालूसरे और इस टीम पे छोड़ देना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि देर आए दुरुस्त आए, भगवान उनको ये सद्बुद्धि दे दे। मीरा भाईंदर के राष्ट्रवादी पार्टी के नए जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए गए पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने आने वाले मनपा चुनाव में राष्ट्रवादी पार्टी के मंसूबे की रूपरेखा पेश की। अंकुश मालूसरे ने बताया कि मैंने अपनी अध्यक्षता में कई कार्यकारी कमेटी का गठन किया है जो आने वाले समय में पार्टी के हित के लिए कार्य करेगी। जनता की समस्याओं का निवारण ही हमारा पहला कर्तव्य है। आइए जानते हैं क्या कहना है अंकुश मालूसरे। पहली बात तो है कि जूने और नए दोनों को लेकर जाने के, अभी जो आप कार्यकारिणी देखेंगे उसमें पुराने जी लोग भी काफ़ी लोगों को लिया है और आगे भी जाके मैं कोशिश कर रहा हूँ उनके साथ में बात करें और पुराने जितने भी लोग हैं उनको समावेश करके आगे लेके संगठन कैसा मजबूत बनेगा उसकी मैं कोशिश करूँगा। नहीं, मैं देखो पार्टी में किसी का पद जाने के बाद में नाराजगी होती है, लेकिन मेरे को विश्वास है कि वो लोग हो या मैं हूँ, हम लोग सभी पवार साहब को मानने वाले हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मानने वाले हैं, सेकुलर विचारधारा के लोग हैं। आज ना कल हम सब लोग एक मंच पे आएंगे, एक नेतृत्व के नीचे आएंगे और काम करेंगे। इसमें टाइम नहीं लगेगा, आपको थोड़ा सा वक्त दो, ये आपको सब हम एक साथ में काम करते हुए दिखेंगे। प्रकाश पराजपे ने कहा कि मीरा भाईंदर में हमारी शुरुआत भले ही जीरो से हुई हो, पर आने वाले वक्त में राजनीति के मैदान में हम बड़े रन बनाने वाले हैं। संतोष पेंडुलकर को भगवान सद्बुद्धि दे। अपनी नाराजगी छोड़ अब उनको सब कुछ भूल के पार्टी के काम में लग जाना चाहिए। पार्टी द्वारा दिया गया कोई भी पद आजीवन नहीं होता है। मीरा भाईंदर में भाजपा सरकार का समय अब खत्म होता है। संगठन कमजोर था, ये भूत की बात हो गई, पास्ट की बात हो गई। आने वाले दिनों में राष्ट्रवादी पूरे मजबूती से मीरा भाईंदर शहर में उभर के आएगी। सारे प्रभागों में एक सक्षम और मजबूत संगठन राष्ट्रवादी तैयार करेगी और आने वाले चुनाव में राष्ट्रवादी बेहद मजबूती से लड़ेगी, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जनता से जुड़े हुए प्रश्नों को उठाने में नाकाम रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैंने जैसे कहा कि महानगर पालिका के जितने सारे मुद्दे हैं, महानगर पालिका भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुए, वो सारे मीरा भाईंदर के जनता के प्रश्नों पे राष्ट्रवादी आपको लड़ते हुए, जनता के हक के लिए बोलते हुए और मैदान पे उतर के मीरा भाईंदर की जनता के लिए संघर्ष करते हुए आने वालों में दिनों में दिखेगी, ये विश्वास में मीरा भाईंदर की जनता को आप सभी पत्रकारों भाइयों के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ। अनु पाटिल ने आज मनसे छोड़ के एनसीपी में प्रवेश किया है, सर क्या कहना चाहेंगे आप? उनको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। उनको लखला, उनकी वजह से हमारी जो म्यूनिसिपल कर्मचारी सेना है वो बहुत नाराज होके, पहले ही बहुत हमारा नुकसान हुआ था, तो अभी वो गई, वहाँ जा गई है, वहाँ सुखी रहे और हमारी तरफ से वापस एक बार बोलता हूँ शुभकामनाएं। मनसे पार्टी छोड़ राष्ट्रवादी पार्टी में शामिल हुई अनु पाटिल ने बताया कि मैं पार्टी की विचारधारा पर काम करूंगी, अधिक से अधिक महिला कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम शुरू कर दिया है। मनसे पार्टी के वरिष्ठ और कार्यकर्ताओं के बीच कोई भी तालमेल नहीं नजर आ रहा था। मैं शहर की जनता के लिए कार्य करना चाहती हूँ। मेरा उद्देश्य जो था वो पहले जो था वही इसी पार्टी में रहेगा, उद्देश्य कभी चेंज नहीं होता और आने वाले समय में बहुत ही बेहतरीन राष्ट्रवादी के इस बैनर के ऊपर, ये पक्ष के जो देह धोरण है उसके ऊपर हम बहुत बेहतरीन शहर में काम करेंगे, बस यही है। आपके जिला अध्यक्ष का कहना है कि महिलाओं की काफ़ी शिकायत थी तो उनके आने जाने से हमारी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसा है कि उनसे ये भी सवाल पूछना चाहिए कि जो पार्टी का जो
धागे दोरे जो संभाले जाते हैं और साथ ही साथ में जो महिलाओं के ऊपर, और मैं कभी भी पार्टी को मैं उस बारे में दोषी नहीं कहूँगी, क्योंकि राज साहब जो उनका जो मार्गदर्शन है वो हमेशा महिलाओं के सपोर्ट में ही रहा, लेकिन कुछ ऐसे नेता जो है वो जो महिलाओं को आगे बढ़ने से उनके हमेशा उनको प्रॉब्लम होती थी, तो उनका वो सोच, उनको मुबारक, मुझे उस बारे में कुछ नहीं कहना। राष्ट्रवादी पार्टी में अपने आप मतलब शामिल हुई, अब किस तरह से काम करेंगे आने वाले चुनाव को देखते हुए? आने वाले चुनाव को देखते हुए अभी फिलहाल एनसीपी जो मीरा भाईंदर का फिलहाल का जो सिचुएशन है उस इलाके में बहुत बड़ी चुनौती है, और हमेशा अन्नू पाटिल को चुनौती का सामना करते हुए आपने देखा है, तो आने वाले समय में आप यही देखेंगे।